हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू प्याज करेला। करेले का नाम सुनते ही सबका मूड ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर लोग करेला खाते नहीं हैं, किसी को पसंद नहीं होता है, बच्चे तो अक्सर नहीं खाते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत बढ़िया तरीके से ये बनता है। कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और करेले खाना शुरू कर सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए सेहत के लिए। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी देख लेते हैं कि कैसे बनती है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें करेले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने करेले 2 से 3 से 4 करेले लिए हैं और उनको ऐसा लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कट कर सकते हैं। तो अब मेन काम ये है कि सबसे पहले हमें इसका कड़वापन दूर करना है। तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच नमक और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम ढक के 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। पहले नमक और करेले को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जितना भी इसमें कड़वापन है वो निकल जाए और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं नमक के पानी में करेले को डले हुए। तो अब हम इस नमक के पानी को अलग कर देते हैं और करेले को एक छलनी में छान लेते हैं। तो करेले को मैंने एक छलनी में छान लिया है इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करने के लिए। तो चलिए बाकी की हम तैयारी देख लेते हैं। तो हम सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर थे उसकी प्यूरी बना ली है। और नेक्स्ट यहाँ पे आलू लिया है 1 मीडियम साइज का, उसको भी ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। तो मैं आलू प्याज करेला बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू और प्याज लिया है। तो चलिए आगे के मसाले देख लेते हैं कि और किन किन चीजों की हमें जरूरत है। तो मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर एंड 1/2 चम्मच ये अमचूर पाउडर है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक है और यहाँ पे 2 ग्रीन चिली हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है इमली का पानी, तो ये हम करेले में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं और सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया हुआ है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और हमने जो यहाँ पे आलू के पीसेस कट करके रखे थे उनको हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। मीन्स हम गोल्डन ब्राउन होने तक उनको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएँ आलू। तो इनको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आलू इसमें ऑयल में पक चुके हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं आलू को। तो जैसे हमने आलू को फ्राई किया है सेम वैसे ही हम इन करेले को भी इसमें फ्राई करेंगे ताकि और जिसका और इसका जो भी कड़वापन है वो और निकल जाए। तो ये देखिए करेले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और पक चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आलू और करेले दोनों फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। तो अगेन मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो
सौंफ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें जो प्याज काट के रखी हुई थी उसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और साथ ही साथ मैं इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर दूंगी। और अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो अब हमने जो यहाँ पर टमाटर प्यूरी रखी थी हम उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर प्यूरी और प्याज को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और साथ ही साथ हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर है जो अच्छे से गल जाए और कच्चापन ना रहे उसमें। तो नमक ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ ही साथ हमने जो सारे ड्राई मसाले लिए थे उनको भी हम ऐड करेंगे। तो ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे, और ये अमचूर पाउडर। सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे प्याज और टमाटर में। मसाले में भी अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए और अच्छे से भुन जाना चाहिए। तो मसाला हम पहले अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। मसाला जब तक अच्छे से भुनता नहीं है तब तक सब्जी में स्वाद नहीं आता है। तो अभी ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें इमली का पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इमली का पानी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने जो आलू और करेले फ्राई करके रखे थे उनको ऐड करेंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए आलू और करेले। तो ये देखिए आलू और करेले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए हम भाप में पका लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से हम एक बार मिक्स कर देते हैं सब्जी को। सब्जी बनके एकदम तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिए। तो सब्जी हमारी एकदम रेडी है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म हम सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, अभी आपने इस वीडियो में देखा आलू प्याज करेले की सब्जी बनाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो करेले खाना शुरू कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं तो। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या अदर कोई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।